गगन भाई नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। आज मंडी से कितनी गाय सेल कर रहे हो? आज सर टोटल 13-14 गाय ली है सर। ये 8 गाय टोटल अपनी गुजरात जा रही है सर, दनेरा में, दांतीवाड़ा गांव में। एवरेज रेट जी? एवरेज रेट सर 65 से लेके 75 तक की सर। और दूध की एवरेज? 25-30 प्लस सर। ठीक है जी, तो सबसे पहले गाय चलाकर दिखा दो, बाकी की बातें बाद में करेंगे। जी ऑनलाइन ऑर्डर है? जी नहीं सर, कस्टमर आए हुए हैं खुद सर। कस्टमर आए हुए सर? ठीक है जी। चलाओ, गाय कौन सी चलाओगे सबसे पहले? तो इस गाय के बारे में बता दो जी, गाबन है? ये सर गाबन है, फर्स्ट टाइमर बच्चा देगी सर अभी। ठीक है, दांतों में? दांतों में सर ये 4 है अभी। कितने दिन डिलीवरी में रह रही है? में सर इसके अकॉर्डिंग टू डेट सर 13-14 दिन पड़े सर। क्या दूध कर जाएगी ये सर? फर्स्ट में कर जाएगी 30-32 सर। किस रेट पे सेल? ये सर 72 में दिए। चलाओ, तो किसान भाई वो फर्स्ट लैक्टेशन में है, दांतों में 4 है, अभी कुछ दिन डिलीवरी में रह रहे हैं, और रेट आपको बता दिए, दूध आपको बता दिया, क्वालिटी देख सकते हो। ये गाय जहाँ से सेल होकर गुजरात जा रही है, गगन भाई ने गाय सेल करी है गुजरात के लिए। अगर ऐसी क्वालिटी की आपने गाय खरीदनी है तो गगन भाई का स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल करके गाय खरीद सकते हो। गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है। और चलती चलती वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए नए किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल मालवा फार्म को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग पशुओं की वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो ये सभी गायें गुजरात जा रही है, ये देख सकते हो, ये सभी है जो गायें जहाँ से गगन भाई ने सेल करी है गुजरात के लिए, वहाँ लास्ट तक इनकी गायें खड़ी है। सभी गायें हम आपको चलाकर दिखाएंगे, अगर गायें खरीदनी है तो भाई से बात कर सकते हो। बाकी सर गाय की क्वालिटी देखो सर, अडर क्वालिटी चेक करो सर, लेग स्कोर चेक करो, फेस क्वालिटी देखो सर गाय की, जो ब्रीड के करेक्टर होते हैं सर। ये दूध 32 लीटर आराम से निकाल देगी सर। ठीक है जी, ये भी गायें आप ही की है जी? ये सर मेरी। कब डिलीवरी हुई है गाय की? सर इसका 4-4 दिन है सर। अभी दूध कितना सर? 23-24 लीटर अभी रेडी है सर। कितना करेगी ये सर? कर जाएगी 48-27 सर। और लैक्टेशन? लैक्टेशन सर सेकंड है, दांतों में 6 है सर। किस रेट पे सेल करी है ये सर? दिया 68 में सर। ठीक है जी सर। और बछड़ा है या बछड़ी? सर फीमेल काफ है सर। चलाओ जी, तो साथ में फीमेल काफ है जी, 28 के आसपास में दूध करेगी, सेकंड लैक्टेशन है, क्वालिटी देख सकते हो, 68,000 में गाय जहाँ से सेल हुई है गुजरात के लिए, क्वालिटी देख सकते हो। नीचे कमेंट करके बता देना कि 68,000 इस गाय का आपको रेट कैसा लगा, बाकी क्वालिटी देख सकते हो। अभी है गाय का 22-23 लीटर के आसपास में दूध रेडी है, क्योंकि पशु कुछ ना कुछ दिन ले जाता है अपने एक्चुअल दूध पे आने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि गाय की आज डिलीवरी हुई, कल को गाय 30 लीटर दूध तैयार कर जाए। पशु को चाहिए काफ़ी 15-20 दिन तो दूध पे आने के लिए। बाकी क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है। अगर गगन भाई से ऐसी ही क्वालिटी की और गायें खरीदनी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इनको कॉल करके गायें खरीद सकते हो। ये बछड़ी की क्वालिटी है, बछड़ी की क्वालिटी भी आप देख सकते हो। इस गाय का बैकग्राउंड ये सर सेकंड टाइमर बच्चा देखिए भी सर। दांतों में जी? दांतों में सर 6। ठीक है, कितने दिन डिलीवरी में रह रहे हैं? सर डिलीवरी में ऐसी अकॉर्डिंग टू डेट सर इसके पड़े 15 डेज सर। और क्या दूध करेगी सर ये? 33-34 आसानी से निकाल देगी सर पूरा। गारंटी है? गारंटी है सर, हमारी गारंटी है, क्योंकि सर गाय जब गाय लेते हैं सर करेक्टर चेक करते हैं सर। आप भी वीडियो पूछते हो सर गैस कैसे लगा लेते हो सर, देखो इसी काम से जुड़े हैं सर। गाय के करेक्टर बता रहे हैं सर क्या क्या दूध कर जाएगी सर, मैं गारंटी लेता हूँ सर इस बात की। किस रेट पे सेल करिए ये सर? 70 में दिए सर। 70,000 में? जी जी। चलाओ जी, जी सर। तो किसान भाई वो सेकंड लैक्टेशन की ज्ञापन गाय हैं, 15 दिन डिलीवरी में रह रहे हैं, और दूध आपको बता दिया 70,000 में गाय जहाँ से सेल हुई है गुजरात के लिए। गाय की क्वालिटी देख सकते हो, गाय का बॉडी स्कोर देखो, और गाय की हाइट बेल देख सकते हो, काफ़ी अच्छी हाइट की और काफ़ी अच्छी बेल की, कद काठी की गाय काफ़ी अच्छी है। ब्रीड के करेक्टर आप बॉडी स्कोर देख सकते हो, आपके बिल्कुल सामने है। और दूध 33-34 लीटर के आसपास में 33-34 कर जाएगी, वो डिपेंड होता है कि आप गाय की केयर कैसे कर रहे हो, गाय का रख रखाव कैसे कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि गगन भाई ने 30 लीटर से 33 लीटर दूध बोल दिया वहाँ पर जाकर देगी, अगर फीड अच्छी डालोगे तो ही दूध देगी ना। देखो सर फैट फ्री हट रहा है बिल्कुल सर, देखो जैसे होते हैं ना चमड़ी, क्योंकि करेक्टर चेक करे जाता है सर गाय के दूध वाली के सर। 100 कुछ देख के सर गाय लेते हैं हम, क्योंकि सर देखो कस्टमर आता है किसी विश्वास पे आता है सर, ठीक है ना। देखो 34 लीटर सर बड़ी आसानी से निकाल देगी उनके क्लाइमेट में, अगर देखा जाए तो 40 लीटर की गाय है सर, क्योंकि बॉडी वेट हेड लेंथ गाय की बहुत बड़ी है सर। इस गाय का क्या बैकग्राउंड है जी? ये सर फर्स्ट टाइम पर बच्चा दिया सर गाय ने। ठीक है, कितने दूध की है ये सर? अभी 25 लीटर दे देगी सर ये आसानी से। और कितने दिन हो गए डिलीवरी को? डिलीवरी को सर इसके हुए आज ही जानी है सर ये। आज ही? जी सर। दांतों में सर 4 है। ठीक है जी, हाँ जी। और रेट इसका? रेट सर ये 55 में दिए सर। चलाओ जी। जी सर। तो किसान भाइयों आज गाय की डिलीवरी हुई है, गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, रेट आपको बता दिया, रेट इस गाय का कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना,
और क्वालिटी देख सकते हो। ये गाय गुजरात जा रही है, जहाँ से मंडी डब वाली से गाय खरीदी है और आगे भेज रहे हैं गुजरात। क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है। और चलती चलती वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मालवा फार्म चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग पशुओं की वीडियो बनाते रहते हैं। बाकी क्वालिटी गाय की देख सकते हो, सभी गायें हम आपको चलाकर दिखा रहे हैं, और भी एक दो गायें चलाकर दिखाएंगे ताकि आपको क्वालिटी का और रेट कस्टमेट हो जाए। इस गाय का बैकग्राउंड बता दें, सेकंड टाइमर बच्चा देख सर, दांतों में सारे 6 हो चुके। क्या दूध देगी जी ये सर? अप्रोक्सीमेटली कर जाएगी 32-33 सर। किस रेट पे सेल करी? 68 में सर। चलाओ जी। तो किसान भाई हो, 68,000 में गाय सेल हुई है, 30 लीटर से 32 लीटर दूध कर जाएगी। गाय की क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है। ये सभी गायें जहाँ से सेल होकर गुजरात जा रही है, क्वालिटी गाय की आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है। अगर ऐसी ही गायें आपने खरीदनी है तो गगन भाई को कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, या फिर ऑफलाइन ऑर्डर कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आपके पास अगर समय है तो ऑफलाइन गायें खरीदो, क्योंकि पैसे लगाने हैं तो अपनी तसल्ली करके जहाँ पर आकर देख कर खरीदो। लेकिन फिर भी अगर आप जॉब करते हो या आपके पास समय नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन तो है, आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन में भी इतना कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं होता, क्योंकि विश्वास का काम है, अगर विश्वास हो गया तो ऑनलाइन भी ऑर्डर चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो किसान भाई जो कस्टमर हैं, इन्हें हिंदी नहीं आती, गुजराती आती है, और गुजराती हमें नहीं आती, फिर भी कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश करेंगे कि कैसा इनका अनुभव रहा। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? दिनेश भाई। और एड्रेस? गुजरात से। गुजरात से, ठीक है। इनका आपको काम कैसा लगा? अच्छा लगा। कोई कमी लगी इनमें? नहीं, हिंदी नहीं आती? नहीं। थोड़ा इसीलिए सर कर रहे हैं, क्योंकि सर देखो जी, जो बात है खुल के मैं हर एक किसान भाई को जो बोल रहा हूँ सर, साथ में होता है भी सर, जो अच्छा बुरा है सर सामने बताओ सर। किसान रेट इनका कैसा लगा आपको? बड़े लगी है सर। चलो गुजराती में बोल दो, हिंदी नहीं आती तो गुजराती में बोल दो। रेट हारी लगी, ठीक है। और दूध की इन्होंने गारंटी ली है? मिल्किंग? हाँ मिल्किंग गारंटी ली। आपको यकीन है कि जितना दूध बोला उतना निकलेगा? हाँ बोला निकलेगा, हमें खींच खा लिख रहा था, बोला निकल आया था गगन भाई, अच्छा मोड़ से दे बोला था, ये परमानेंट दूध निकल गए जी। चलो ठीक है जी, क्योंकि सर बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है सर, इसलिए कर रहे हैं सर, क्योंकि सर देखो किसी का होता भी बंदा बोल लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता, खुला बोल लेता सर, कोई कैमरे में नहीं आना चाहता होता सर, ठीक है ना। तो ये तो सर एक जरिए मान, चलो भी बंदे को हो गई ऐसी बात नहीं, अभी कोई मिसगाइडेशन वाला काम नहीं, कोई फेक वीडियो नहीं बनाई, कस्टमर आए हैं जी 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 जी। ओके धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई। गाय भी देख ली है, रेट भी देख लिया, अभी बात आती है ऑनलाइन ऑर्डर की। अगर किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो विश्वास कैसे दिलाओगे कि हम ईमानदारी से गाय दिला देंगे, बेईमानी नहीं होगी? देखो सर, जिन कस्टमर के पास ऑनलाइन गाय गई है, पहले तो वो प्रूफ है सर, देखो मेरे से कोई कॉन्टेक्ट मांगेगा ना सर, क्योंकि ये विश्वास का ही काम है, विश्वास के काम है सर। देखो बोथ साइड ट्रस्ट करना बनता है सर, मैं अकेला मान के चलो विश्वास नहीं कर रहा, कस्टमर का विश्वास बना हुआ सर मेरे ऊपर, तो गलत बात है। देखो जी 5 रुपए ज़्यादा ले लूँ, 1,000-2,000-3,000 ज़्यादा ले लूँ सर कस्टमर से, पर गाय सर उसको बढ़िया भाई सर दूध वाली, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि सर घर पे बैठा वो एक उम्मीद लेके कोई ऑर्डर करता है सर, क्योंकि जिस भी जगह पे अपनी ऑनलाइन गाय गया ना सर, लगभग सभी स्टेटों में गया सर, मैं कॉन्टैक्ट दे दूँगा सर सभी किसान भाइयों को जो मेरे से कॉल करेंगे, तो सर ऑनलाइन जब गाय गया ना सर, वो पूछ सकते हैं भी इनका कैसा फीडबैक था, कैसी ये जैसा बोला वैसा निकला नहीं निकला सर, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है सर, सालों से YouTube पे आ रहे हैं सर, आपको भी पता है सर, देखो जी कोई गलत काम करते, कोई मिसगाइडेशन वाला काम करते तो सर आना बंद हो जाते सर। सही है ना, जब से मालवा फार्म स्टार्ट हुआ तब से जुड़े हो आप जी सर। रीजन क्या है सर? रीजन ये है सर, देखो ईमानदारी से काम कर रहे हैं सर, जुड़े हुए हैं मालवा फार्म से जी। कभी कभी होता है कि गगन कोई पंजाब से गाय लेकर जाता है, वो पंजाब से लेकर जाता है 30 लीटर वाली, वहाँ पे जाकर गुजरात महाराष्ट्र पे रह जाता है 20 लीटर, ऐसा क्यों होता है? देखो सर वो मिसगाइड हो जाती है। देखो कैसे मिसगाइड होते हैं? देखो सर डीलर होता है, देखो मैं किसी को बुरा नहीं बोलूंगा सर, देखो सभी अपना अपना काम देखते हैं, अपने अपने वे से देखते हैं, ठीक है ना। देखो मैं किसान का सोचूंगा कभी ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा जी, गाय होती है 25 लीटर वाली सर, बता देते हैं 30 लीटर सर, 5 लीटर गाय ने क्लाइमेट की वजह से कम करना होता सर, 5 लीटर वो उसका वैसे ज़्यादा बता दिया सर, तो गाय तो 20 पे आएगी ना जी। ठीक है जी सर, मेरे पास कस्टमर की कॉल आती है सर, ये प्रूफ है सर, जिन भाई जो भाई मेरे से कॉल करते हैं सर, वो कमेंट जरूर करें सर प्लीज़, क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं सर, मैं आगे से बोलता हूँ सर भी सर हमारे यहाँ पे जो 25 निकालेगी ना, वो आपके यहाँ पे 20-22 निकालेगी सर। मिस गाइड से बचा कैसे जाए? बचा कैसे? मैं एक किसान हूँ, मेरे को 10 गायें खरीदनी है जी सर। पंजाब से मैं 2500 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, तो मैं
सिर्फ और सिर्फ वीडियो में क्या देखूं कि हमें पता चल जाए गगन ईमानदार है गगन बेईमान है, जे ईमानदारी से पशु दिलाएगा जे बेईमानी करेगा, चेक कैसे करें? देखो सर पहले तो कस्टमर का रिव्यू देखो कितने सालों से वीडियो सर, फिर मैं हर एक वीडियो में बोलता सर, आप भी आपका क्वेश्चन भी हर एक वीडियो में होता है सर, मेरा भी आंसर भी होता है, क्योंकि देखो सर रिव्यू चेक करो कितने सालों से आ रहा है बंदा, ठीक है ना, कैसा इसका काम है, कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है बंदे का, ठीक है, कोई मान गलत काम तो नहीं किया बंदे ने, क्योंकि देखो जी आजकल ऑनलाइन काम है, ठीक है ना जी, जो भी काम है बंदे को क्लियर हो जाता है। देखो जी ऐसा भी विश्वास बनाए रखने वाला काम है सर हमारा, ठीक है, क्योंकि जी देखो नाम बनाया सर मालवा फार्म के जरिए सर, तो सर किसी का बात को लेके बनाया जी, ईमानदारी से काम कर रहे हैं इसलिए लेके बनाया सर, कोई अगर झूठ मूठ का पतंगड़ बनाएंगे सर तो नाम छोड़ो सर कोई आएगा भी नहीं सर, ठीक है ना, तो ये सर महज बातें होती हैं सर। देखो जी आपने ब्रीड लेने जैसी गाय वैसा रेट सर भरना पड़ता है किसान को, क्योंकि ये तो एक चलो बंदा अंदाजा लगा लेता है चलो 70-75 में 30 लीटर तक की गाय आ जाएगी, बट सर अगर एक्चुअल में मान चलो आपने पैसा, क्योंकि देखो बंदा सभी चीज़ों से सोचता है सर, फिर वो मान चलो 30 लीटर वाली गाय है सर, वो सोचता है भी चलो फर्स्ट टाइम मरो, ठीक है, फर्स्ट टाइम मरोगे सर तो उसका रेट ज्यादा होगा ना ऑब्वियसली, फर्स्ट टाइम 5-10 हज़ार गाय को देखकर इधर उधर हो जाता है। हाँ हाँ, तो सर वो सारी चीजें सोच समझ के देखनी पड़ के करके होती है सर, मिसगाइडेशन वाला काम कोई भी व्यापारी भाई ना करे, क्योंकि सर मिसगाइड करेगा तो सर आगे हरजाना, क्योंकि सभी पंजाब का नाम आ जाता है फिर भी, सर मैं पंजाब में गया था तो ये बात होगी मेरे साथ, ठीक है ना, तो गलत बात ना करें सर, डीलरों से मेरी निवेदन है, दिल से निवेदन है भी सर ना करें ऐसा काम, ठीक है ना, क्योंकि जी किसान कोई कैसे पैसे जोड़ता है, कोई कैसे कदर करें सर उनकी, जो आपके पास उम्मीद लेके आए उस पर खरे उतरे जी, विश्वास उसका बनाए रखे सर, ठीक है ना, विश्वासघात मत होने दें सर, विश्वासघात करने से बचें जी, मैं तो ये निवेदन करता हूँ सर। बाकी सर देखो अपना अपना काम है, हर एक बंदा अलग अलग वे से सोचता है, मैं अलग वे से सोचूंगा, आप अलग वे से सर, ठीक है ना, तो अलग अलग होता है सर सभी का सोचने का जरिया। और सर सभी किसान भाइयों के सर धन्यवाद सर इतना अच्छा प्यार देने के लिए सर, कमेंट करने के लिए सर, और आपकी बदौलत सर हम अच्छा काम कर रहे हैं सर, लोगों तक जुड़ रहे हैं सर, मशहूर हो रहे हैं सर, आपके किसानों की बदौलत हो रहे हैं सर, थैंक यू सर।